हेलो गाइस, स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं फिर से लेके आ गया हूँ नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। और जिस जगह आज हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है 64 योगिनी टेंपल, जो कि जबलपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। लमेटा घाट के स्क्वायर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक राइट में रोड है, यहाँ से हम लेंगे तो हमें 64 योगिनी, भेड़ा घाट, धुआंधार सारी जगह पड़ेंगी। पहले रोड यहाँ पर डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी पास पड़ता है यहाँ से जबलपुर के इस रोड से। तो ये मंदिर की स्टार्टिंग में यहाँ पे एक शिलालेख है, इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है मंदिर की, मंदिर कब बना था और कितनी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और पूरा डिटेल्स लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर, काफ़ी ऊपर जाना है और करीब यहाँ पर 108 सीढ़ियाँ हैं, तो चलते हैं ऊपर धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, दूर शायद आपको वो दिख रहा होगा, वो नर्मदा जी हैं, सरस्वती घाट है, काफ़ी अच्छा सा व्यू है। ये हम ऊपर आ गए हैं और काफ़ी सफाई सी दिख रही है यहाँ पे। ये सामने एक छोटा सा गेट है, यहीं से एंट्री है, तो अंदर चलते हैं। क्या है ये एंट्री है यहाँ की, चलते हैं अंदर। जय भोलेनाथ। 64 योगिनी में विराजी हुई माताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: बहुरूप, नर्मदा, यमुना, शांति, वरुणी, चिमकारी, इंद्री, वरही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैदरूपा, चिरचिका, बेताली, चिन्मस्तिका, विश्वाहन, कामिनी, घटवर, करकाली, सरस्वती, कावेरी, भालुका, नरसिम्हा, बिरजा, महालक्ष्मी, गौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पक्ष, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यासिनी, वीरकुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, घटवरी, समुद्र, ब्रह्मणी, ज्वालामुखी, अग्नि, अदिति, चंद्रकांति, वायवेद, चामुंडा मूर्ति, गंगा, धूमावती, गंधार, सर्वे मंगला, अजीता, सूर्यपुत्री, वायुपेड़, अघोर, भद्रकाली, ज्वाला, विरूपा, तारा। इन्हीं सब पौराणिक तथ्यों को देखकर हमारे भारत देश के इतिहास के साक्षात्कार देखने को आज भी मिल जाते हैं। ये जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं ये सारी खंडित हैं, जो कि औरंगजेब के शासनकाल में ये सब खंडित करा दी गई थी।
आप ये मंदिर देख रहे होगे, यहाँ पे गर्भगृह है और मोबाइल ले जाना यहाँ पर एक्चुअली अलाउ नहीं है। लेकिन अभी मैं अंदर गया था, पूजा करके आया, वहाँ मुझे पंडित जी ने बताया कि पूरी पृथ्वी में एक ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव जी पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये उस टाइम का सिनेरियो है जब शिव जी की पार्वती जी से शादी हुई थी, वो बारात लेके पार्वती जी को लौटे थे साथ में नंदी के ऊपर बैठ के, तो उस चीज़ को उतारा गया है एक मूर्ति में, जो बहुत अच्छा सिनेरियो है और फुल ऑफ एनर्जी और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है अंदर कि आप आओगे कभी तो बिल्कुल आप लोग खुद समझ जाओगे कि मतलब क्या है ये जगह। मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर जाके। मैं फ़ोन ले नहीं ले जा सकता, गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट ने अलाउ करके नहीं रखा है फ़ोन को ले जाना। और बाकी कभी आइए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। और अंदर एक पुरानी लैंग्वेज में, मतलब बहुत पहले की प्राचीन लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक किसी ने उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया है, तो गवर्नमेंट ने उसे भी पूरा फ्रेम कर दिया है, उस पूरी लैंग्वेज को जो एक दीवार पे लिखी हुई है। कैमराज अलाउ नहीं है अंदर मंदिर में ले जाना, लेकिन हम अंदर होके आए, बहुत अच्छा लगा। और बाकी ये जो 64 योगिनी मंदिर, इसलिए कहा जाता है कि घोर नाम के एक राक्षस से, जब काली जी ने उसके साथ युद्ध किया था तो 64 रूप लिए थे, तो वो 64 रूप हैं एक्चुअली, ये 64 योगिनी जो मतलब माताएं हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मंदिर के जस्ट सामने आप देख पा रहे होंगे शिवलिंग रखे हुए हैं, वो भी काफ़ी पुराने हैं। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।